खरगोन जिले के बड़वा इंदौर इच्छापुर खूनी हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 माह में हाईवे पर दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल होने के साथ ही मौत के मुंह में समा चुके हैं। इन सभी दुर्घटनाओं का कारण अतिक्रमण, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, भारी वाहनों का आवागमन और उनकी तेज रफ्तार है। इन कारणों से इन घटना की गिनती में सोमवार की दोपहर फिर एक बार भयानक दुर्घटना में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। इसी तरह का दर्दनाक हादसा बीते 2 दिन पहले भी सूरज मार्केट के सामने हाईवे पर हुआ था, जिसमें बाइक सवार युवक ट्रक के पिछले पहिए का शिकार हुए थे, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इसी के साथ उस घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया था। इस घटना से नगरवासियों के मन में आक्रोश उबल रहा था, लेकिन यह आक्रोश ठंडा होने से पहले ही इस हादसे ने नगरवासियों के आक्रोश को झंझोड़ कर रख दिया। लगातार होते दर्दनाक हादसों के बावजूद भी राजनीति, आका और सरकारी तंत्र के जिम्मेदार नुमाइंदे इस ओर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कदम उठते शहर में नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। शहर के मध्य से निकलने वाले हाईवे के दोनों छोरों पर दुकानें और निवास हैं। इन दुकानों और मार्केटों के सामने यंत्र तंत्र खड़े वाहन किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन यंत्र तंत्र खड़े वाहनों को भी व्यवस्थित रूप से लगवाने के लिए जिम्मेदार विभाग विकलांग बना हुआ है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।